लग गया पीएम मोदी का श्राप, 2024 से पहले गिरने वाली है आपकी सरकार, जेल जाने के डर से कांपने लगे केजरीवाल। कौन है दिनेश अरोड़ा जिसने हिला दी दिल्ली की आप सरकार, कैसे एक आम शख्स ने उड़ा दी केजरीवाल की रातों की नींद। दिल्ली शराब घोटाले में पहले सिसोदिया को पहुंचाया जेल, फिर संजय सिंह का लगा नंबर, अब केजरीवाल होंगे जेल के अंदर। पीएम मोदी को घेरना पड़ गया भारी, ईडी ने निकाल दी सारी हेकड़ी, सरकारी गवाह बन दिनेश ने उगल दिया सारा राज। जो कभी मनीष सिसोदिया का था सगा, उसने क्यों किया दगा, आखिर कैसे बन गया वो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन। दिल्ली शराब कांड में जल्द होंगे कई बड़े खुलासे, 2024 से पहले गिरेगी केजरीवाल की सरकार, दिल्ली में खत्म होगा आपका साम्राज्य। जी, पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी से पूरी दिल्ली सरकार हिल गई है। ईडी ने जैसे ही दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह को किया गिरफ्तार, पूरी दिल्ली में मच गया हाहाकार। केजरीवाल को लगा गहरा सदमा, अब जेल जाने का अगला नंबर केजरीवाल का लगा। ईमानदारी का मफलर पहनकर दिन रात मोदी मोदी करने वाले, बात बात पर मोदी को घेरने वाले केजरीवाल बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार के गिरने का सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म तो तब रिलीज होगी जब दिल्ली शराब घोटाले में कई बड़े खुलासों के साथ केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कैसे पीएम मोदी के श्राप से दिल्ली की आप सरकार का विनाश हो रहा है, कैसे एक आम शख्स ने पूरी दिल्ली हिला डाली, कभी सिसोदिया के साथ उठने बैठने वाला शख्स आज कसम खाकर पूरी दिल्ली सरकार गिराने पर अड़ गया है, कैसे खुद को सबसे ईमानदार सरकार बताने वाले केजरीवाल के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में सलाखों के पीछे जा रहे हैं। कौन है वो दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन दिल्ली सरकार के सारे मंत्रियों के काले कारनामों का एक एक सच उगल रहा है, कैसे 2024 से पहले दिल्ली सरकार गिरने वाली है। आगे हम आपको इस रिपोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली शराब घोटाले की पूरी कहानी समझ लीजिए। दरअसल मार्च 2021 में दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा, शराब को सिर्फ निजी दुकानों को ही बेचने की अनुमति होगी, जिसके लिए 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा, शराब की दुकानों का सामान दिल्ली में बेचा जाएगा। इस नई नीति से सिसोदिया ने रेवेन्यू में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगे। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन रहेगी। लाइसेंसधारी शराब पर अपनी तरफ से चाहे जितनी छूट दे सकते हैं। इसके बाद साल 2021 में ही नवंबर के महीने में नई शराब नीति लागू कर दी गई। इस नई नीति के लागू होते ही दिल्ली सरकार मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का बड़ा अंदेशा जताया और जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। इस मामले में दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी संजय सिंह के रूप में हुई। सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा रोल रहा है दिल्ली के बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा का, जो कभी सिसोदिया के साथ पार्टनरशिप में रहा करते थे। दिनेश इस मामले में सरकारी गवाह है, ईडी के सामने इसने मनीष और संजय के सारे राज उगले हैं, जिसके बाद सुबह सुबह संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के कई बड़े कारोबारियों की लिस्ट में आते हैं। दिनेश की राजधानी दिल्ली में कई बिजनेस है। दिनेश अरोड़ा साल 2009 से ही होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दिनेश ने अपना पहला कैफे हौज खास में खोला था। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिनेश ने साल 2018 में इस्टमेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोली। दिनेश जी का दिल्ली अनप्लग कोर्ट यार्ड और ला रोका एरो सिटी जैसी कई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। दिल्ली में दिनेश अरोड़ा का नाम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ा है। दिनेश का पूरी दिल्ली के लगभग हर एक बड़े बाजार में कई रेस्टोरेंट है। दिनेश कोरोना के समय काफी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की बड़ी मदद की थी और दिल्ली में अपने घर से ही पैकेट बनाकर पूरी दिल्ली में बांटे थे। इस बीच साल 2020 में दिनेश के पास संजय सिंह का फोन आता है, जहां संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगने की बात कही, जिसके बाद दिनेश के ही रेस्टोरेंट में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की और संजय सिंह के कहने पर दिनेश ने कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट और बार मालिकों से करीब 82 लाख रुपए वसूल कर आम आदमी को सौंपे, जिसके बाद दिनेश अरोड़ा और मनीष एक दूसरे के काफी करीबी हो गए और उसके बाद दिनेश ने ही शराब घोटाले के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी आप सरकार के काले कारनामों की पोल खोलकर पूरी कहानी ईडी को बता डाली, जिसके बाद पहले मनीष और अब संजय सिंह जेल के अंदर है और अगला नंबर अब केजरीवाल का लगने वाला है। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।